हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो बेसिकली क्या हो रहा था ना, अभी परसों हम लोग कल हम लोग निकलने वाले थे भोपाल के लिए वापस। हमारे यहाँ पे 10 डेज हो गए हैं एंड काफ़ी जो हम काम देखने के लिए आए थे वो हो गया है और काफ़ी चीज़ें हो गई हैं और बहुत अच्छा हुआ। बीच बीच में आना बहुत ज़रूरी है जब आपका काम चल रहा होता है, तो क्योंकि यू डोंट नो ना कि सामने वाला क्या सोच करके काम करेगा और आप मतलब ऐसा। और क्योंकि हमने कोई इंटीरियर डिज़ाइनर हायर नहीं किया है या कोई आर्किटेक्ट हायर नहीं किया है जो सुपरवाइज करें, हम ही लोग सब चीज़ कर रहे हैं, तो ज़रूरी भी था, तो इसलिए भी मैं भी आ जाती हूँ और विक्की का ऑफिस अटेंड करना रहता है इसलिए वो आ जाता है। तो बट कल हम जाने वाले थे, हमारी टिकट्स भी हो गई थी, बट हुआ ये कि कल आज और कल विक्की के यहाँ पे कल प्रेजेंटेशन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, उसकी कंपनी में MD आए हुए हैं बाहर से। कल का फिर हम लोगों ने कैंसिल करके एक दिन बाद पोस्टपोन करवा दिया है। उसके बाद हम फिर से आएंगे। अब जो आएंगे जिसमें वो हमारा लास्ट विजिट होने वाला है, लास्ट विजिट इन द सेंस मीन्स विक्की फिर यहीं पे रुकेगा एंड मेरा फिर आना जाना चलेगा क्योंकि मैं पैकिंग वगैरह करने के लिए जाऊँगी। तो जो मेजर पैकिंग होती है लाइक जैसे मैं अपना मेकअप हो गया और जो मेरे कपड़े वगैरह होते हैं जो मैं यूजुअली पैक कर लेती हूँ अपने से, वो सब मैं पैक कर लूँगी मैं, बिकॉज एंड मोमेंट पे ना जो सर पे बैठ करके काम होने वाले से मेरे से काम नहीं होता, मतलब प्रेशर में मुझसे इन शॉर्ट बोलूँ तो काम नहीं होता है। आई एम समवन जो पीस और कामली काम कर देता है अच्छे से, लेकिन प्रेशर में मैं वो वाला इंसान हूँ जो बिल्कुल गड़बड़ा जाती हूँ। तो इसलिए मैं वो चीज़ अभी जब जाऊँगी तब करना स्टार्ट कर दूँगी। एंड सबसे पहले तो जा करके मैं 2 दिन बहुत सोना चाहती हूँ, लिटरली बहुत सोना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पे नींद पूरी नहीं हो रही है। एक तो गर्मी बहुत है, दिन में तो आप सो नहीं सकते हो क्योंकि दिन भर यहाँ पे काम चलता रहता है, बिना एसी के तो नहीं। फिर भी क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर है, सामने मैं आपको बताती हूँ, एकदम ग्रीनरी दिख रही है ना आपको, मेरे सामने काफ़ी ग्रीनरी है, तो बैठने लायक सिचुएशन रहती है, बहुत अच्छी हवा चलती है। मतलब 5:30 से ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज हमारे जस्ट थोड़े पीछे क्रीक आ जाती है एंड हमारे जो सोसाइटी है उसके बीच में लेक आ जाता है, तो ठंडी हवा चलती है, तो वो इतना पता नहीं चलता है, बट फिर भी यार एसी की बात अलग हो जाती है, तो वो है। और एसी, अपार्ट फ्रॉम एसी ना, एक क्लीन रूम में भी क्या हर जगह वॉल पे डस्ट चिपकी हुई है, तो मुझे तो एलर्जी वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है बट विक्की को बहुत होता है, तो फिर वो भी रात में हर कभी उसकी एलर्जी ट्रिगर हो जाती है, तो वो छींकना स्टार्ट करता है, तो उसका छींचू चलता ही रहता है, तो वो भी डेफिनेटली तो ऑफिस भी जाता है बेचारा यार, तो वो तो परेशान हो ही गया है। तो अब है ना, अब मुझे बस ऐसा लग रहा है कि यार मतलब इस बार की उसमें मैं थोड़ी सी, मतलब मेरा जो बहुत शौक था मुझे शिफ्टिंग का लिटरली, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में ऐसे भारी मात्रा वाली शिफ्टिंग होती वो करी नहीं थी, बट इस साल कुछ ज़्यादा हो गया, एक नहीं दो नहीं तीसरी बार अभी मैं शिफ्ट करने वाली हूँ बैक टू बैक, मतलब विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ्स में मैंने शिफ्ट किया है। एंड एक बार ना सोसाइटी शिफ्ट करना इज़ स्टिल ईजी, बट आप पूरा स्टेट शिफ्ट कर रहे हो ना थोड़ा है, मतलब मैं दिखाती नहीं हूँ बट इट्स अ प्रेशर हेयर लिटिल बिट, बट हाँ ये एक मन में बैक ऑफ द माइंड थोड़ी तसल्ली है कि अभी ये, अब इसके बाद वो कचर पचर वाली नहीं होने वाला है कि भाई, वो एक मुझे थोड़ा सा सुकून है। तो चलिए मैं आपको अपडेट देती हूँ कि क्या क्या काम हो गया है। तो एक छोटा सा और वो दूंगी पहले, तो क्या चीज़ है ना, पहले हम लोग क्या चाह रहे थे, पहले मैं आपको अपडेट दे देती हूँ फिर बताती हूँ। रूम की वार्डरोब बन गई है, ये जो सेकेंड रूम है यहाँ की वार्डरोब बन गई जो मैं अभी आपको नहीं दिखाने वाली हूँ। अमेजिंग टर्न आउट हुई है सारी वार्डरोब किचन, जितनी सेकेंड बेडरूम की वार्डरोब है वो, उसके बाद और क्या डिज़ाइन किया, ये सारी चीज़ें मैंने डिज़ाइन करी है, मतलब डिज़ाइन से लेकर के सब कुछ मैंने किया हुआ है। तो मैंने ना विक्की से ऐसे पूछ लिया था कि आपको कुछ स्पेशली आपके लिए करवाना है क्या, क्योंकि मैं तो सब अपने हिसाब से करवा ही रही हूँ है ना, किचन विचन हो गया ये सब तो मैं करवा ही रही हूँ। तो मैंने उसको ये पूछा था, तो उसने मुझे बोला था कि बाथरूम का डिपार्टमेंट उसका रहने वाला है, बाकी सब कुछ आप देख लो पर बाथरूम मैं देखूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, बाथरूम में क्या करवाने वाले हो, तो मैं आपको अपने बाथरूम दिखाती हूँ। तो दीज टू आर द बाथरूम्स, ठीक है, ये पहला बाथरूम है और वो मास्टर बेडरूम का बाथरूम है। तो इन दोनों की जो वॉल है ना वो कनेक्टेड वॉल है, ठीक है। तो और एंड काफ़ी बड़े साइज़ के बाथरूम है ये, मतलब यहाँ से ये बाथरूम स्टार्ट होता है, मतलब काफ़ी बड़ा साइज़ का बाथरूम है। तो विक्की का, मेरा भी नहीं, ये मेरा प्लान ही नहीं था, विक्की का ये बहुत बहुत ज़्यादा मन था कि उसको बाथटब चाहिए था बाथरूम में। एंड क्योंकि हमारे बाथरूम का साइज़ बहुत अच्छा है, तो अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करो ना, प्लान आउट करो, तो आराम से एक थोड़ा मीडियम साइज़ का बाथटब फिट हो जाएगा।
तो उसने पूरी डिज़ाइन भी करी। तो मैं पहले सोच रही थी आप पागल हो गए हो, ये वो कंजेस्टेड हो जाएगा। तो उसने ये आइडिया दिया कि क्योंकि ये वॉल एक सेंट्रिक वॉल है, दोनों बाथरूम की एक ही वॉल है, तो हम ये जो सेकंड वाला बाथरूम है, जो गेस्ट बाथरूम रहेगा, उसकी वॉल हम थोड़ी शिफ्ट कर देंगे, मतलब इस तरफ शिफ्ट, छोटा कर देंगे इसको जिसका एरिया है, और वहाँ को वहाँ बड़ा करके हम पूरा ये करवा देंगे। तो ये हमारा प्लान हुआ। लेकिन पूरा जो भी हमारा बजट था ना, मतलब आप जो बजट बना के चलते हो ना घर का, आप ये मान के चलो कि उससे हमारा घर का बजट भी ऊपर चला गया, एंड जो हमने काम करवाया ना इसका बजट भी ऊपर चला गया। तो जब हमारा बजट इतना ऊपर चला गया, जैसे ही उसने कोटेशंस एंड प्राइस सुनना स्टार्ट करी आके, तो बोलता है मेरा प्लान ड्रॉप कर दो, इसके बाद जो भी घर होगा हमारा उसमें वो ज़रूर करवाएगा। तो अभी तो चलो ड्रॉप कर दिया प्लान, क्योंकि ना सिविल वर्क में कुछ नहीं, तो आप मान के चलो ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये 2 लाख का सीधा सीधा खर्चा है, 2 से 2.5 लाख, मान ढाई भी पता नहीं मैं कम बता रही हूँ, ज़्यादा बता रही हूँ, बिकॉज दोनों बाथरूम की टाइल्स अलग अलग हैं। जब ये पूरी सिविल वर्क होता है तो टाइल्स चेंज होगी, क्योंकि करंटली जो टाइल लगी हुई है, जब आप वॉल क्रिएट करोगे तो आपको ये नहीं पता है कि वो टाइल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो बहुत छोटी 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 चीज़ें होती हैं, प्लम्बिंग का काम इंक्लूड हो गया। मतलब मैंने अनन्या को एक बार बताई थी, तो उसने मुझे बोल दिया था तुम्हारा सीधे सीधे 2.5 लाख तो तुम पकड़ के चलो कि तुम्हारा इसमें खर्च हो जाना है, जो कि मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा यूजलेस है। तो वो आइडिया हमने ड्रॉप कर दिया। मैंने विक्की को बोला, मैंने कुछ तो, अगर ये बात भी आपने घर पर बना दिया ना, तो मैं तो घर से बाहर निकलने ही नहीं वाली हूँ फिर। जैसे छुट्टी मनाने भी हम जो थोड़ा गेट अवे करने बाहर जाते हैं ना, मेरा तो वैसे ही, मैं तो बहुत होमली इंसान हूँ, मुझे घर पसंद है। बोला ये और एक फैक्टर घर पर रख दिया तो मेरे को कोई हिला नहीं सकता घर से। तो वो हमारा प्लान कैंसिल हो गया है। आज क्या हुआ है, ये आपको दिख रही है फॉल सीलिंग वगैरह, तो ये हमने फॉल सीलिंग में सब लाइट्स कहाँ कहाँ क्या क्या लगने वाली है वो करी है। तो कुछ हमारी जो लाइट्स हैं जो हम फॉल सीलिंग में लगा रहे हैं, वो स्मार्ट लाइट्स लगा रहे हैं। बाकी पार्ट हमने 3-in-1 जो नॉर्मल होती है वो लगवाया है, एंड कुछ पार्ट पे हमने छोटी छोटी फोकस लाइट लगवाई है, ऐसा डिज़ाइन किया है। तो ये भी बताऊंगी मैं जब हो जाएगा तब। तो एल्युमिनियम की जो मॉस्किटो नेट है वो यहाँ पर लग जाएगी, एंड उसके बाद हम स्टोरेज बनवा रहे हैं इस एरिया में, एंड इधर पे भी हम स्टोरेज बनवा रहे हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा स्टफ होता है वो सब इस स्टोरेज में आ जाएगा। तो बस यही अपडेट है। अभी काफ़ी सारी बातें कर ली है मैंने, अब मैं थोड़ा सा झाड़ू पोछा करूंगी और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हे गाइस, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ सेकेंड डे, टुडे इज़ डे 2, एंड कल हम लोग वापस भोपाल जाने वाले हैं। तो अभी मैं जस्ट जा रही हूँ निशा के घर पे, एक तो मुझे पानी लेने के लिए जाना है। पानी हम 2 जगह से लेते हैं, एक तो हमारे सामने जो दीदी रहती हैं वो, तो वो भी ना ऑफिस जाती हैं, तो जैसे अभी तो मैं निशा के यहाँ जाती हूँ तो उनके यहाँ से ले लेती हूँ, और अदरवाइज सामने दीदी से ले लेती हूँ, ऐसा होता है। तो अभी निशा के यहाँ क्या मटका है, तो मुझे जगह रहता है मटके का पानी, तो मैं अभी वही मटके का पानी लेने के लिए, वहाँ पानी लेने के लिए भी जा रही हूँ, और थोड़ी देर बैठूंगी भी, क्योंकि कल हम लोग निकल जाएंगे। दिन में मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि दिन में काम वाम चलता रहता है, तो अभी शाम को मैं फ्री होकर के जा रही हूँ, और जब विक्की आ जाएगा तब तक मैं आ जाऊँगी। तो मैं चेंज करती हूँ, बिकॉज मैं ऐसे विक्की का चड्डा पहन के घूम रही हूँ। सो आई एम रेडी एंड नाउ लीविंग फॉर निशाज होम। सो रीच्ड हियर, और विक्की भी अपने ऑफिस से निकल चुका है, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, जल्दी से फिर घर भागूंगी। तो मैं पहुंच गई हूँ निशा मैडम के घर पे, 10 मिनट बाहर वेट करवा करके ये आई हैं, और इनके घर में अभी बहुत अच्छी सी माता की वो बैठी हुई है, माता जी बैठी हुई है। गाइस, तो अभी हम लोगों ने डिनर विनर कर लिया है। आवाज सुनाई देगी ना, ऐसी डालूंगी मैं। तो ऑफिस से आया भी क्या, ऐसी हालत हाँ, तो हम लोग घर जा रहे हैं डिनर विनर करके। तो बाय गाइस, बाय निशा। ओके गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे, और आज हम लोग निकल रहे हैं। आपको बैकग्राउंड में थोड़ी खटर बटर घिसने की आवाज आ रही होगी, क्योंकि हमारी इस रूम की जो वार्डरोब है उसका काम चल रहा है। अभी हम जब चले जाएंगे तब वो यहाँ पर चालू कर देंगे, फिटिंग विटिंग वो सब जो भी चीज़ें हैं करना। सो व्हाट्स इन माय बैग आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। लास्ट टाइम उन्होंने बताया था कि अपन करेंगे व्हाट्स इन माय बैग, तो ये मेरा बैग है जो कि मैं इस बार ट्रैवल कर रही हूँ लेकर के। सारा सामान इसके अंदर जो रखा हुआ है यही लेके मैं आई हूँ। सिर्फ ये जो कैमरा है ये और इसके अंदर फिट इन हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी बिग बैग, लार्ज साइज का बैग है ये,
और इसमें काफ़ी अच्छे से सब कुछ आ गया है। सबसे पहले आपको दिख ही गया होगा कि ये क्लचर्स बहुत गंदी हैबिट है, मेरे सारे बैग में ऐसे ही ये क्लचर लगा रहता है। सो यस, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर दो जिप हैं, एक तो यहाँ पर फ्रंट में और एक उसके पीछे, और एक जो जिप है ना वो यहाँ पर ऐसे पीछे दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो दिखाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर हैंडी सा मैं अपना मोबाइल रखती हूँ, जो मेरा एक प्राइमरी मोबाइल है वो रखती हूँ, और इसमें दो और कीज़ रखी होंगी, जो कि एक तो कार की की है, क्योंकि कार की हमारा जो विक्की है वो घुमा देता है, इधर उधर कर देता है ट्रेन व्रेन में, सोता है ऐसे कि पॉकेट में से इसके कीज निकल जाए, मोबाइल निकल जाए, तो इसलिए मैं रखती हूँ संभाल के। और ये घर की है जो कि यहाँ की, तो कीज़ वगैरह मैं रखती हूँ भाई, मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। तो बहुत सारा सामान है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारा सामान है, मुझे ही समझ मेरा कहाँ से चालू करूँ। आपके कचरे बैग से तो अच्छा ही बैग है मेरा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं, मैं फनी मोड में आ गई हूँ। सबसे पहले हम निकालते हैं हमारा ये आईपैड, जो कि इस बैग के अंदर रहता है। कहाँ गंदा हो रखा है ये? ये नहीं साफ होने वाला, ये आपने पेंट लगाया इसमें। तो ये आईपैड भाई, ये मैं अपना लैपटॉप लेके नहीं चलती हूँ, बट आईपैड जरूर लेके चलती हूँ, बहुत सारे काम करते हैं। तो ये हमारा एंटरटेनमेंट वो होता है कि भाई कुछ नहीं है तो यही बैठ के देख लो। उसके बाद जो भी मेरा, हम लोग जो घर का सब डिजाइनिंग वगैरह कर रहे हैं वो सब हम इसी में कर रहे हैं, इसमें पूरा डिटेल्स है हमारे, सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, तो ये मैं लेके जरूर चलती हूँ। तो ये है फर्स्ट मेरा प्रोडक्ट जो मेरा इसमें रखा रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एक ये सेटाफिल लोशन, जो कि हाथ पैरों में लगाना, अभी तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ती, बट ये रख के रखा है मैंने इन केस अगर मेरे को ऐसा लगे तो। जो नेक्स्ट है वो है ये डर्मा ड्यू का एलो क्रीम, जो कि फेस पे, हाथ पैरों पे, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। फिर है ये फॉर सेंशर का सन फ्लूइड, ये सब हैंडी रखा हुआ है, ये पाउच पे नहीं रखा हुआ है। आज ये हमारा जो मेन की है वो जो हम लोग रखते हैं हमारे पास वो वाली की है। सो इसका की रिंग देखिए कितना प्यारा है, ये मैंने खरीदा था। हाँ, इसे खरीद के मैंने दिया था। एक दूसरे हम पॉकेट में आते हैं, तो यहाँ पर रखा हुआ है बिल, जो कि विजय सेल्स का हमारी चिमनी का बिल है, तो वो रखा हुआ है। एक सैनिटरी नैपकिन, और जो मेरा सेकेंडरी मोबाइल है वो रखा हुआ है, और साथ में एक मास्क रखा है, दैट्स इट। ये मेरे दूसरे वाले पॉकेट में है। अब आते हैं फर्स्ट वाले, इसमें तो इसमें एक तो रखा हुआ है मेरा सनग्लासेस, तो ये जारा के पाउच में जो सनग्लास रखा हुआ है ये लेंस कार्ड का है, सो क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है और सेफ भी रहता है, तो ये इसमें मेरा वो रखा हुआ है। उसके बाद एक ये पाउच है, बहुत ही छोटा सा एंड सही कॉम्पैक्ट पाउच है, तो बेसिक सा सारा सामान ये मैं दिखा चुकी हूँ उसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है, वो मैंने रख के रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मेरा एक डिटैंगलर कॉम्ब बोलो, यही कॉम्ब मैं यूज़ करती हूँ, और ये रखा हुआ है। साथ में ये है मेरा वॉलेट, जो कि मैंने अगेन वीडियो में दिखाया था पॉक्सल का, ये रखा हुआ है। एंड साथ में यह बहुत सारे कार्ड्स है, इतने कार्ड्स मैं रखती नहीं हूँ अपने पास, लेकिन अभी ये हमारा ये काम चल रहा है ना, तो हमने काफ़ी काफ़ी जगहों से जिन जिन से जो जो काम हमको लेना है वो हमने रख रखे हैं कार्ड्स। उसके बाद यहाँ पर ऐसे ये पॉकेट के पास ना, ये ऐसे ये जो छोटे और सब पॉकेट्स होते हैं ना वो भी हैं, तो उसमें भी कुछ कुछ सामान है। ये मेरा कॉम्पैक रखा हुआ है, फिर ये एक पेन रखा हुआ है, उसके बाद योगी कंठिका ये रखी हुई है, ये मैं हमेशा रखती हूँ, हर कभी मेरा मन होता है तो मैं ले लेती हूँ, गला मुझे ज़रा सा भी ऐसा लगता है तो। उसके बाद योगी कंठिका के बाद ये एक ब्रश रखा हुआ है कॉम्पैक लगाने के लिए, ये मेरे एयरपॉड्स रखे हुए हैं। उसके बाद जो दूसरा वाला सेक्शन है उसमें एक तो ये फॉरेस्ट एसेंशियल का अल्ट्रा रिच बॉडी मिल्क रखा हुआ है, एक क्लिंजेल है, ये यूजुअली अगर आपको कोई पिंपल वगैरह आ जाता है तो वहाँ पर लगाने के लिए आप थोड़ा सा लगा लो, दो दिन में पिंपल आपका सेटल हो जाता है, तो ये रखा हुआ है। एंड साथ में फॉरेस्ट एसेंशियल का लिप बाम है अनारस। गाइस, तो ये पूरा मेरा बैग जो है वो खाली हो चुका है, इतना सारा सामान इस बैग के अंदर रखती हूँ मैं, और इसमें से जो भी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन वाले हैं वो उसकी मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और साथ में ना अभी जो मैं ट्रैवल कर रही हूँ, जिस अभी मैंने ना एक फुटवेयर है जो मैंने अमेजन से ही परचेज़ की थी, मेट्रो ब्रांड की है वो, अभी समर्स में मैं वही फुटवेयर, मतलब वही अकेली फुटवेयर लेकर के मैं आई हूँ, मैं उसका भी आपको लिंक डाल दूंगी। सो दीज आर द फुटवेयर्स, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप पीछे से देखो थोड़ी गंदी हो रही है, बट बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है ये।
मैं को समर्स में पूरा भी यहाँ पर यही पहन के घूम रही हूँ मैं, हर तरह की ड्रेस में, इवन वन पीस वगैरह, स्कर्ट्स, जीन्स, सूट सब पे चलता है. और इतनी ज़्यादा, सबसे बेस्ट पार्ट है, दिखती भी सुंदर है और कंफर्टेबल भी बहुत है. तो इसकी भी मैं लिंक डाल दूंगी, मेट्रो ब्रांड की है, अफोर्डेबल है काफ़ी ज़्यादा. आज का वीडियो ना मैं यही खत्म करती हूँ, बिकॉज आई थिंक हो गया, लंबा हो गया वीडियो काफ़ी ज़्यादा. तो मैं मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में. आई थिंक अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो ट्रैवलिंग ही रहने वाला है हमारा. और यस, अगर वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.